दोस्तों, अल्लाह के फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम चलेंगे जुमा पढ़ने, जुमा की नमाज जोराबाद में अदा करेंगे, क्योंकि आए थे थोड़े काम से, तो यहाँ पे ही टाइम हो चुका और यहाँ पे अदा करते हैं। तो आपको अलमा सलाम की तकरीर भी सुनवाते हैं, क्या बयान सुनवाते हैं, चलिए चलते हैं जुमा पढ़ने। वहां सरकार तशरीफ फरमा हुए ना, वहां एक पत्थर पड़ा था, जिब्रील ने ना अपनी उंगली से पत्थर में सुराख किया। किसे? उंगली से पत्थर में सुराख किया, मेरे महबूब की सवारी को उसे बांधा। अब सरकार उतरे, जिब्रील हुजूर को लेकर अंबिया की जब सफे थी सामने तशरीफ ले गए। जब अंबिया की निगाह ने चेहरे मुस्तफा देखा ना, जो हुजूर के जलवे देख के मुस्तफा का दीदार नसीब हुआ, तो हर नबी की लब पर क्या जुमले थे, अस्सलाम अलैक या अव्वल, अस्सलाम अलैक या आखिर, अस्सलाम अलैक या जाहिर। इन जुमलों के साथ जुमला अंबिया ने मेरे हुजूर का इस्तकबाल किया। जिब्रील फरमा अर्ज करते हैं, हुजूर अब जहां जमात होगी, फर्क हुई नहीं, अभी तो फर्क बाद में होगी, अभी तो उन्हें अगर पूछना है तो फर्क होगी ना। अब मेरे हुजूर ने वहां नफल पढ़ाया, वो भी दो रखा, और 1,24,000 नबी सफे बांध कर पीछे खड़े थे, और मेरे करीम आका मुसल्ले इमामत पे है। कोई नबी इतराज नहीं कर रहा, हम पहले आए थे, हक तो मेरा था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अर्ज करते हैं, नहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बल्कि हर नबी गोया अपनी शहादत समझ रहा था, बल्कि जूं और तसीन ने भी कहा है, जहां बैतुल मक़द्दस की दुआ थी, या ना एक दिन मुझे भी ऐसा अता कर तेरे यार के कदम मेरे वजूद पर भी लगे कि मुझे और मकाम मिल जाए। वहां 1,24,000 नबियों ने भी दुआ की, या कोई दिन हमें भी अता कर के हमें भी तेरा दीदार नसीब हो जाए, तेरे यार का दीदार नसीब हो जाए। तो इस दीदार के लिए, नबियों के दीदार के लिए जिस जगह का इंतखाब हुआ वो बैतुल मक़द्दस। सरकार अब क्या मंजर है, क्या समा है, मुस्तफा मुसल्ले इमामत पर है और सारे नबी पीछे। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, पर इन अशआर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अब इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा में अंबिया के चंद खिताबात और फिर हुजूर का सदारती खुतबा, मेहमान खसूसी के तौर पर जो मेरे हुजूर ने मस्जिद अक्सा में इस माहे रजब की 27वीं शब को हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, वो इंशाल्लाह आइंदा जुमा की मुबारक के मौका पर इंशाल्लाह पेश करेंगे। शान नबियों के बेशक बड़े हैं, शान नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं। हुजूर के जिक्र सुन के खुश होना भी नबियों की सुन्नत है। जान नबियों के बेशक नबियों की सुन्नत अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि हुजूर के खिताब के बाद, हुजूर के खिताब के बाद खुश होकर हुजूर की शान में फिर हजरत इब्राहिम ने भी खुतबा नहीं एक जुमला इरशाद फरमाया, वो आज नहीं पेश करूंगा, आइंदा जुमे के लिए आप इंतजार करेंगे। उससे पहले आज अपना जौक पेश कीजिएगा। शान नबियों के बेशक बड़े हैं, शान नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं, पर मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। अल्लाह ताला हुजूर के तज़किरे मेराज का सदका हमें नमाज की बाजमा पाबंदी और नमाज की हालत में मेराज करने की तौफीक अता करे। माफ़ करो दावाना।